हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष कुमार। आप फ्रेंड्स जानते ही होंगे, हमने कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी स्मोक वाली, वो आपने शायद देख ली होगी। अब तक हमने आपको कहा था कि हम उसका राग आपको बताएंगे जब आप हमें 100 से अधिक लाइक देंगे, तो फिर तब हम आपको उसका राग बताएंगे। तो फिर आप समझ रहे होंगे कि हम इस वीडियो में उसका राग बताएंगे, तो नहीं, हम इस वीडियो में उसका राज नहीं बताएंगे। हम इस वीडियो में बताएंगे कि अपनी जीमेल आईडी अपनी बेकार जीमेल आईडी को कैसे डिलीट करें, रिमूव करें। तो आइए, आपका बिना टाइम गवारा करते हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड अपना आप जीमेल खोल लेंगे। फ्रेंड जीमेल, फ्रेंड मतलब फ्रेंड ये जो है ना, ये ऐसा बना होता है जीमेल। आप ये खोल लेंगे जीमेल अपना। जीमेल खोलने के बाद आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ मेरी आईडी दिख रही होंगी, दो। किसी की एक आईडी होती है तो फिर जिसकी एक आईडी होती है वो यहाँ दिखती है, जिसकी दो आईडी होती है यहाँ और यहाँ, दोनों जगह दिखती है वो आईडी। तो फिर मेरी दो आईडी है, इसलिए मेरी दो जगह दिख रही है। इसमें और इसमें से मुझे ये वाली आईडी अपनी डिलीट करनी है। तो फिर हम अपनी इस आईडी पे क्लिक करेंगे। इस आईडी पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारी आईडी खुल जाएगी। इसके बाद फिर हमें ये आईडी हम खोल लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में, नीचे करेंगे, फिर आएगा सेटिंग का ऑप्शन, आप सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखते फ्रेंड आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, जनरल सेटिंग, आशीष कुमार 45 gmail.com, yk10000@gmail.com, एड अकाउंट। इसमें से आप जनरल सेटिंग कर सकते हैं। ये है मेरी पहली आईडी जिसे मैं डिलीट नहीं करूँगा। ये है मेरी दूसरी आईडी जिसे मैं डिलीट करूँगा अभी। अकाउंट में यह होता है कि अगर आपको और अपनी आईडी को इसमें ऐड करना, तो फिर ऐड अकाउंट से कर सकते हैं। तो फिर पहले हम डिलीट करना सिखाएंगे आपको, फिर अगली वीडियो में आपको ऐड अकाउंट करना सिखाएंगे। तो पहले आप वाई के पे क्लिक करेंगे, मतलब आपकी जो भी बेकार आईडी होगी उस पर क्लिक करेंगे आप। तो फिर आपका ऐसा खुलाएगा, ऐसा खुलाने के बाद फिर आपको क्या करें, फिर आपको यहाँ एक 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा आएगा मैनेज अकाउंट, आप मैनेज अकाउंट पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप अपने सेटिंग पर आ जाएंगे। सेटिंग आने के बाद अगर आपको वीवो का फ़ोन है तो फिर आप अपने इस अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वीवो फ़ोन नहीं है तो फिर आपके में उसका ऑप्शन आएगा फ़ोन का, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उससे आप भी यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसमें आपकी सारी यह सब अकाउंट होंगी, आप उसमें चले जाइए। जाने के बाद फिर आपको वाई के दिख रहा है यहाँ, फिर आपको लास्ट में अपना वाई के दिख रहा है अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 अकाउंट है, जिसमें से हमें एक अकाउंट को डिलीट करना है, एक को नहीं। तो आप जिसको डिलीट करना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वीवो फोन में यहाँ एक बटन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तब आपका दो ऑप्शन आएगा, रिमूव अकाउंट और एक सिनियन ऑन। मतलब आपको ये अकाउंट खोलना है तो आप सिनियन अकाउंट पर क्लिक करें, रिमूव करना है तो रिमूव अकाउंट पर क्लिक करें। तो फिर आप रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं और ओके बटन दबा दीजिए। अब आपका अकाउंट रिमूव, देखिए यहाँ पर आपके भी 2 थी, अब यहाँ पर आपके 1 बची है, आप बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद फिर आप अपने जीमेल अकाउंट पर पहुँच जाइए। आप अपने जीमेल अकाउंट पर पहुँच जाइए। आप अपने जीमेल अकाउंट को खोल दीजिए। फ्रेंड्स बस 2 मिनट, ये जीमेल अकाउंट खुल चुका है।
यहाँ 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 पर जब यहाँ जब आप तीन डॉट पर क्लिक करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले दो आईडी थी, आप सब एक आईडी है। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाद जो घंटी का बटन आएगा आप उस पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उस घंटी का बटन क्लिक करते हैं